इटली को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है और मेलोनी ने इटली की कमान संभाल ली है, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया के सामने एक मुद्दा खड़ा कर दिया है कि क्या मेलोनी इटली के माथे से 77 सालों में 70 बार सरकार गिरने के कलंक को मिटा सकती हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जियोर्जिया मेलोनी इटली में धुर दक्षिणपंथी नेता हैं और खुद को बेनेटो मुसोलिनी की समर्थक मानती हैं। ब्रदर ऑफ इटली पार्टी के नेता जॉर्जियो मेलोनी ने ईश्वर, परिवार और मातृभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को पटकनी देते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया और मेलोनी की जीत के साथ ही दूर दक्षिणपंथी सरकार का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि साल 1922 से 1943 तक बेनेटो मुसोलिनी इटली के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेनेटो मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और इटली में फासीवाद की राजनीति को हरा दिया गया। लेकिन इटली और मुसोलिनी के समर्थकों के बीच सिविल वार शुरू हो गया। समय बीता और सिविल वार भी खत्म हो गया और इसके बाद से ही इटली में कभी कोई पार्टी 13 महीने से ज्यादा अपनी सरकार नहीं चला पाई, क्योंकि इटली के राजनीतिक स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया गया है जिसमें सरकार बनाने के लिए अलग अलग पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोबारा इटली में कोई मुसोलिनी अपने पैर न जमा सके और यही वजह है कि इटली में कोई भी गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं रह पाता, क्योंकि सभी मुद्दों पर सभी की सहमति नहीं बन पाती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हमेशा से सत्ता में रहे और इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी किया, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये सत्ता में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है और यही कारण है कि इटली में सरकारें बदलती रहती हैं। अब बात आती है जॉर्जिया मेलोनी की, जिनके पीएम बनते ही इटली में एक बार फिर फासिस्ट तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मेलोनी का जन्म रोम में हुआ। जब मेलोनी एक साल की थी तभी उनके पिता फ्रांस्को ने उनकी माँ को छोड़ दिया और मेलोनी अपनी माँ के साथ रहने लगी। जॉर्जिया मेलोनी 15 साल की उम्र में इतालवी सामाजिक आंदोलन की युवा शाखा यूथ फ्रंट में शामिल हो गई और वे आंदोलन की स्टूडेंट विंग की अध्यक्ष भी बनी। साल 2008 में जॉर्जिया सबसे युवा मंत्री बनी, जिसके बाद 2012 में जॉर्जिया ने अपनी पार्टी ब्रदर ऑफ इटली का गठन किया और साल 2018 में मेलोनी की पार्टी को 4% वोट मिले और उन्होंने विपक्षी दल के नेता की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि मेलोनी गठबंधन सीनेट की 114 सीटें जीतने में सफल रही और इटली में बहुमत साबित करने के लिए सीनेट की 104 सीटों की जरूरत है और इस गठबंधन को 43% वोट मिले। अब देखना है कि आखिर मेलोनी कितने दिनों तक इटली की गद्दी पर बनी रहती हैं।